हेलो, वेलकम बैक टू प्रातः दर्पण न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीशा, बॉलीवुड की मजेदार खबर के साथ। अभिनेता सनी देओल आखिरी बार फिल्म गदर 2 में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद अब सनी देओल को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि वे फिल्म रामायण में दिखाई देंगे, जिसका निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। इस फिल्म की जब से घोषणा हुई है तभी से दर्शक इससे जुड़ी हर अपडेट को जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। इस फिल्म में रणवीर कपूर, साई पल्लवी, विजय सेतुपति और यश के होने की खबरें पहले से ही सामने आ रही हैं। अब फिल्म के स्टार कास्ट में सनी देओल के जुड़ने की भी खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सनी हनुमान के किरदार में दिखेंगे। नितेश तिवारी की रामायण काफी समय से अपनी दिलचस्प कास्टिंग को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। इस फिल्म में जहां रणवीर कपूर के भगवान राम का किरदार निभाने की खबरें पहले से ही हैं, वहीं अब खबर है कि सनी देओल फिल्म में हनुमान का किरदार निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सनी देओल भगवान हनुमान का किरदार निभाने का मौका पाकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म के स्टार कास्ट को फाइनल करने के बाद मार्च 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। रणवीर कपूर को भगवान राम और सनी को हनुमान के किरदार में देखने के लिए उनके फैंस बेहद उत्सुक हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि निर्माताओं का कहना है कि दारा सिंह के बाद सनी देओल ही हैं जो आज के समय में भगवान हनुमान का किरदार निभाने के योग्य हैं। आज के समय में इस भूमिका को पूरी दृढ़ता के साथ निभाने के लिए सनी देओल से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि रणवीर के मन में सनी देओल के लिए बेहद सम्मान है और सनी उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक मानते हैं। दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए एक तोहफा होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का पहला भाग भगवान राम और सीता पर अधिक केंद्रित होगा, जो सीता हरण के संघर्ष की ओर ले जाएगा। रामायण की बात करें तो इस फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभाने वाली हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले सीता की भूमिका के लिए आलिया भट्ट से बातचीत चल रही थी। इस फिल्म में KGF स्टार यश रावण का किरदार निभा सकती हैं। नितेश तिवारी की रामायण को लेकर हाल में अपडेट आया था कि इस फिल्म में विजय सेतुपति को विभीषण का किरदार निभाने के लिए संपर्क किया गया है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नितेश तिवारी की रामायण कथित तौर पर मार्च 2024 में फ्लोर पर आएगी। कैसी लगी ये खबर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए प्रातः दर्पण न्यूज के साथ। नमस्कार।